पार्टी बाजी तो उत्ते उठ के, जात पात तो उत्ते उठ के, क्योंकि गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब किसे एक फिरके एक धर्म का नहीं गा, ये एक जिंदगी जीवन का मैनीफेस्टो है। हर गुरु नानक नाम लेवा दुनिया भर च बैठा इस नूं अपना इष्ट मानता है। इस करके जब तक इतने इंसाफ नहीं होगा आपां नूं सब नूं इसकी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। 6 साल पहला गुरु ग्रंथ साहब जी दीआं होईआं बेअदबियां इसे चौंक विच इंसाफ मंगण वास्ते शांतमई ढंग नाल बैठे बजुर्ग बीबियां उन्हां ते होया तशद्दुद ते चली हुई गोली, उस नूं जो पिछले दिनां च हाई कोर्ट ने ढह ढेरी कीता वा उस दे खिलाफ रोस प्रगट लई करन लई आपां इत्थे इकत्तर होए। मेरे वीरो बजुर्गो, इह कल्ला इक हाई कोर्ट दा जज दा फैसला नहीं गा, इह इस देश दी गिणी मिथी साजिश जिसनों अंग्रेजी च डीप स्टेट पॉलिसी, इस देश ते राज करन वाले चाहे पार्टियां कोई होण उन्होंने खास तौर पर घट गिणतियां दे खिलाफ बॉर्डर स्टेट ते जिहड़े आपां लोग वसदे आ उन्हां दे प्रति पक्का एक मन बनाया होया कि इन्हां नूं किसे तरह का इंसाफ नहीं लैण देना, चाहे वह 1984 दे सिख कतलेआम दा 37-38 साल का इंसाफ है, चाहे साडे पंजाब दे दरियाई पाणियां दा इंसाफ है जिहड़ा पिछले 4-5 दहाकियां तो अदालतां च लटकी जांदा घूमी जांदा। इसलिए मायूस होने की लोड़ रहेगी। जे कोई इंसाफ नहीं दिंदा इहदा मतलब यह नहीं गा कि आप इंसाफ मंगणो तो इंसाफ लैणो अपना अधिकार लैणो हट जाना वा। मैनू दुख ना कहना पै रहा कि तुसीं तां कोई कसर ही नहीं छड्डी सीगी। पंजाब दे लोकां ने पिछले तीन चार सालां च बहुत वड्डियां मूवमेंटां खड़ियां कीतियां ने, लखां दी तादाद विच लोग दिल्ली दे बरूहां दे उत्ते बैठे होए ने, 400-350-400 किसान जान गवा चुका वा। इत्थे बरगाड़ी दा मोर्चा लाया सीगा, सारा पंजाब आण के इत्थे झुक गया। उह तां गल लग गया कि अपने जिहड़े आगू हुंदे ने उह बदकिस्मती दे नाल जदों इंसाफ दी लड़ाई दा टेबल ते गल बह के आके मौका हुंदा कोई फैसला करन दा उदों आपां पिछे हट जांदे। कारण कई मैं उहनां विच जाणा नहीं चाहुंदा। इसलिए मिथ के फैसला आया वा और बड़े सधारण जे जिहड़े कानून दे नाल राय रखदे लोग सब नूं पता वा कि जो हाई कोर्ट ने किया वह ट्रायल कोर्ट का काम सी। फरीदकोट का 9 चलान पेश हो चुके थे, उत्थे गवाहियां शुरू हो चुकिया सी। जिहड़ा आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिहदे तहत दोषियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया उहदे तां अधिकार ही नहीं गा कि तुसी तत्थां विच जाओ, तुसी बयानां विच जाओ, तुसी गवाहां विच जाओ। इह तां हाई कोर्ट का काम ही कोई नहीं सीगा। ते जिहड़ा लोगों ने कोई गुहार नहीं लाई, बादल दे टब्बर ने कोई अर्जी नहीं दित्ती, उस जजमेंट में सब तो प्रोमिनेंट नाम बादल दे परिवार नूं क्लीन चिट देना, इत्थों समझो कि इन्हां दा मनसूबा की है। वह जिहड़ी डीप स्टेट है, वह जिहड़े दिल्ली दे राज करन वाले वह लोग जिहड़े अंदर बैठे ने उन्होंने इन्हां पुलिस वालों नूं बहुत दूर तक बचाउणा। इत्थों हुणे जिक्र किया माजी साहब ने जिन्हां लोगों ने झूठे पुलिस मुकाबलिया च साडे नौजवान मारे, चड्डे पाड़े सुमेत सिंह सैनी वर्गे, आ जिहड़े कहिंदे असीं अकाली हैं, आ बादल दा टब्बर कहिंदा असीं पंथक हैं, शर्म नहीं आउंदी सुखबीर सिंह बादल तैनूं। जिस बंदे ने नौजवानों नूं झूठे पुलिस मुकाबले पट्ठियां च झोक के सुट दिता, तुसीं सारिआं ने हुण सुण लिया, कतल दा केस हुण भी चल रहा वा। एक 95 साल दी अमर कौर आलू वालिया वह मर गई, इंसाफ लैंदी रहिंदी CBI दी अदालत विच सुमेत सिंह सैनी दे खिलाफ 3 आदमियों नूं बल दी पट्ठी विच जींदे सुट दिता सीगा, उहदा इंसाफ नहीं मिलिया। इस करके ये जिहड़े पुलिस वाले ने ये जिहड़े जालिम लोग ने थल्लों लैके उत्ते तक ये दोबारा भी वरतने ने, उन्होंने दोबारा भी जद पंजाब दे विच कोई मूवमेंट उठेगी इन्हां लोगों को तशद्दुद करवाउणा, ते अज उन्हां नूं जे सज़ा हो लैण देणगे ते फिर कल इन्हां दे आखे पुलिस वाला क्यों काम करेगा। ते जिहड़े सियासी आगू ने साडे ये भी मोहरे बणदे ने, उन्हां नूं इन्हां नूं सब कुछ पता सी। बादल दे राज विच 1.5 साल का समा अणपछाते बंदियां दे खिलाफ FIR दर्ज करनी, कोटकपूरे की FIR जिहड़ी पहली आ वह पुलिस वालों पब्लिक के उत्ते आ, दूजी तो 2018 जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्न की रिपोर्ट तो बाद
अजीत सिंह दे चूड़े विच गोली आइडेंटिफाई करके 307 परचा दर्ज किया गया। इस करके अंग्रेजी च ना दो छोटे जे कोर्ट्स ने कानून दे मुतलक, एक हैगा जस्टिस डिलेड, इस जस्टिस डिनाइड। दुनिया कहिंदी, मैं नहीं कहिंदा, वड्डे वड्डे विद्वान, जेड़ा इंसाफ समय सिर ना मिले कोई इंसाफ नहीं गा मेरे वीरो। और दूसरा है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस दा वो की कहिंदे गर्भपात, यह होया साडे नाल इस विच। पर जिदा मैं कहा कि लड़ाई तो पिछे नहीं हट सकता, और दुख है सरकार दे उत्ते, जिस सरकार ने रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट विधानसभा विच 8 घंटे, मैं भी उत्थे सीगा, बलविंदर सिंह बहस उत्थे सीगे, 8 घंटे उहदे ते बहस होई आ। और मैनू फिर अफसोस ना कहना पैंदा कि जिहड़े लोग उत्थे वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे सीगे, चाहे वह मिनिस्टर ने चाहे राज करन वाली पार्टी दे एमएलए, तुहाडा बहुत वड्डा फर्ज आ। यह नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से इन्हों मसलों से कल विधानसभा में तकरीर करके फोटो खिचा के बयान लवा के तुम भज सकते हो, लोगों की अदालत चो तुम भज नहीं सकते। इस करके मेरे वीरों समा इजाजत नहीं दिता, बहुत कुछ कहा जा सकता, पर जिहड़ी सरकार ने बहुत अरसा आ जिहड़े 3 साल 4 साल नंगा दिते, एवें ही बहुत पहला सजा भी दी जा सकती सी। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में कल्ले कल्ले बयान, कल्ले कल्ले दोषी पुलिस वाले दे बयान, और सुमेध सिंह सैनी का एफिडेविट 14 अक्तूबर की रात तड़के सवेरे 2 बजे उस वक्त का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल डीजीपी नूं टेलीफोन करता, तो उदन सवेरे तड़के 6 बजे पहला चौंक च गोली चलती है, तो मुड़ के बहबल च कतल हो जाता। तुहाडा की ख्याल, एवें फोन सीगा वो? तुहानूं की लगता कि मुख्यमंत्री कोई सधारण स्थितियां विच 2 बजे उठ के टेलीफोन करता डीजीपी नूं? सारा कुछ रिपोर्ट में दर्ज सीगा। यह तो गल लग गया कि एस आई टी बनाती, मुड़ के इन्ना टाइम लाता, हुण भी अमरिंदर सिंह जी तुहाडे कोलों लोगों नूं यह उम्मीद है कि तुसीं इन्हां दिनां विच टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करके तत् साडे तुहाडे सामने ने, इन्हां दिनां विच झट जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके इन्हां लोगों नूं सजा दिओ। ते एस जी पी सी देखो, ए यारो साडे पुरखियां ने महंतां तों गुरद्वारे आजाद करके, बाका भाई लक्ष्मण सिंह अर्गिया ने कुर्बानियां कादे लई दित्तियां सीगियां, कि एस जी पी सी साडी हिफाजत करेगी, साडी पढ़ाई साडी सेहत की प्रणाली नूं वो ठीक रखेगी। लेकिन एस जी पी सी का अपने मुढ़ले असूल तो भज गई आ। अज गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का शोर बचा होया, एस जी पी सी का जिहड़ा प्रधान है कोई भी है वह मूक दर्शक बन के बैठा, अकाल तख्त का जथेदार। एडा दुख यार, एक अकाली फूला सिंह वर्गा जथेदार, उन्होंने तुलना नहीं करता, तो लेकिन एक भाई रणजीत सिंह वर्गा जथेदार जिन्हें जेलां कटियां ने कुर्बानी दी है, एक वो जथेदार जिहदे सामने पंजाब दे विच भांबड़ बल रहे ने, चुप बैठा यार। और इन्हां तों तां असीं की उम्मीद रख सकते हैं, जिहड़े अखौती आ जिहड़ा बादल दा लाणा, यह जिहड़ा दल, यह दलियां दा दल, यह कारपोरेटां दा दल, इन्हां तों उम्मीद रख सकते असीं? अगर अकाली दल ठीक हथा में छुंदाज किसी पार्टी की पंजाब में लोड़ नहीं सी मेरे वीरो, किसी तीजे विकल्प की लोड़ नहीं, किसी चौथे विकल्प की लोड़ नहीं। अगर श्रोमणी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा 100 साल पुरानी पार्टी जिहदे तुहाडे सारे बजुर्गों ने मोर्चा च जेलां कट्टियां, कैदां कट्टियां, कुर्बानियां दित्तियां, अगर वह निरपक्ष हथा में हुंदी, अज अकाली दल श्री गुरु ग्रंथ साहब के इस बेइंसाफी के खिलाफ सब तो मोहरे होना सी। उन्होंने साडा काम नहीं सीगा, मेरा काम नहीं सीगा, परमिंदर का काम नहीं सीगा, किसी होर एमएलए का काम नहीं सीगा, ये मुढ़ला फर्ज श्रोमणी अकाली दल का सी। लेकिन वो आज लड्डू वंड रहे ने, लड्डू वंड रहे ने, किहदे खिलाफ लड्डू वंड रहे ने? कि गुरु ग्रंथ साहब के दोषी बरी हो रहे ने, रिशपाल ते सुमेध ते पता नहीं गुरदीप ते फलाना आई जी ते फलाना डी आई जी ये खुशियां मना रहे ने। पर मैं तुहानूं कहना चाहुंदा लोको, वो कहिंदे ने देर है अंधेर नहीं गा, इहना अदालतां इह फर्जी अदालतां ने, इहदा तुहानूं तुसीं 324-25 दी अगाऊं जमानत लैण चल जाओ, तुहानूं जमानत नहीं दिंदे। इहना दोषी पुलिस वालां नूं चरणजीत शर्मे अर्गियां नूं 302 विच अगाऊं जमानतां, अगाऊं एंटीसिपेटरी बेल सिस्टम तां उदां ही ढह ढेरी हो चुका, खत्म हो गया सीगा। इस करके इन्हां नूं जिहड़ा बचाया गया है, मैं कहण लग्गिया वां जिहड़ा कहिंदा सी ना किस के जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उहनां दा कख ना रवे, वो दिन दूर नहीं गा मेरे वीरो, तुहाडे देखदे आ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਨ ਘੜਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ